हरदोई में मुस्लिम महिला ने एससी बनकर 21 साल तक की नौकरी मामले पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दी विस्तृत जानकारी। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने 21 साल से अधिक समय से अनुसूचित जाति बनकर नौकरी कर रही प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नत पा चुकी मुस्लिम महिला के बर्खास्तगी को सही करार दिया है। मामले पर धोखाधड़ी में उसकी नियुक्ति ही निरस्त कर दी गई है और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने मुन्नी रानी की याचिका को खारिज करते हुए पारित कर दिया है। याचिका में बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई के 2 जुलाई 2021 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसके द्वारा याचिकी सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्ति को निरस्त करते हुए उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया था। पूरे मामले पर विस्तृत जानकारी देते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुन्नी रानी की नियुक्ति 30 नवंबर 1999 को उर्दू BTC टीचर्स के रूप में हमारे जनपद में हुई थी। ये उर्दू BTC का इनका प्रशिक्षण लखनऊ डाइट से हुआ था। ये शिकायत ये थी कि इन्होंने SC जात का फर्जी प्रमाण पत्र लगा करके नियुक्ति पाई है। जो शिकायत हुई उसका जांच ADM महोदय की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति ने की। उनको नोटिस जारी किया गया, बुलाया गया, ये उपस्थित नहीं हुई। परीक्षण में पाया गया कि ये SC जात के प्रमाण पत्र के आधार पर इन्होंने प्रमोशन भी लिया। बाद में कई नोटिस देने के बावजूद नहीं आने पर इनकी सेवा शुरू से ही नियुक्ति तिथि से बर्खास्त कर दी गई। इसके खिलाफ ये कोर्ट गई। कोर्ट में कई सुनवाई पर पर्सनल अपीयरेंस भी इससे याद किया हुआ क्योंकि इनकी मूल पत्र अभी नहीं मिली। लेकिन अंतोगत्वा जो प्रमोशन में इन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाया था जिसके आधार पर इन्होंने प्रमोशन लिया और जो मूल नियुक्ति के समय इन्होंने डॉक्यूमेंट लगाया था उसमें भी SC प्रमाण पत्र लगाया था और एक ही डॉक्टर से सब वेरीफाई भी थे जिसके आधार पर माननीय कोर्ट ने इनके रिट को खारिज कर दिया।